हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बरवतसेना बेतिया। हम लोग पहुँच चुके हैं इस चैप्टर के सिक्स पार्ट में, चैप्टर 8, नेम्ड एज विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि इस पृथ्वी पर विंड का पैटर्न क्या है, पृथ्वी पर हवाएं कौन से दिशा से कौन सी दिशा में फ्लो करती हैं और क्यों फ्लो करती हैं, इसका कारण हम लोगों ने जाना था। इसमें अक्षांश रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए अक्षांश रेखाओं को देखकर हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि विंड फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन सिर्फ अक्षांश रेखाओं पर ही किसी भी जगह का विंड फ्लो का पैटर्न डिपेंड नहीं करता, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं कि विंड का फ्लो का पैटर्न जो है वो अच्छी तरीके से समझाया गया है, लेकिन अर्थ जो है वो पूरी तरह सीधा नहीं है। एक बॉल की तरह ये गोलक तो है, पृथ्वीकार इसका स्थिति तो है, लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, 66.5 डिग्री ये झुका हुआ है। और झुके हुए होने के कारण इस पृथ्वी पर जितने भी सीजन में चेंजेस होते हैं, जैसे समर, विंटर, रेन और जितने भी तरह के मौसम होते हैं, जलवायु होते हैं, उनमें ये जो परिवर्तन है इसी टिल्टेड होने के कारण होता है। अगर ये इस तरह टेढ़ा नहीं होता तो पृथ्वी पर किसी एक जगह पर हमेशा एक ही मौसम रहता। जैसे अगर भारत में गर्मी है तो हमेशा गर्मी ही पड़ता, ठंडी होती तो हमेशा ठंडी ही पड़ती। लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, इसी कारण से जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव करता है पूरे एक साल में एक बार, तो इस एक साल में यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, चार पोजीशन इसमें दिखाए गए हैं, इन चार पोजीशंस के द्वारा हम लोग भारत में मौसम के बदलाव के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला पोजीशन हम लेते हैं अभी की स्थिति, यानी कि भारत पृथ्वी पर अभी की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है। तो सबसे राइट साइड में जो देख रहे हैं समर लिखा हुआ है 20 और 21 जून, सबसे राइट साइड में वो है अभी की वर्तमान स्थिति पृथ्वी की सूर्य के सामने। इस स्थिति में क्या है कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और पृथ्वी का साउथ पोल जो है वो सूर्य से दूर है। तो चूंकि नॉर्थ पोल सामने झुका हुआ है, इसीलिए सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ने के कारण, चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, इसीलिए भारत में अभी वर्तमान में गर्मी की स्थिति है, समर सीजन चल रहा है। क्योंकि अभी चूंकि अर्थ का नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सूर्य के सामने है। इस स्थिति को 21 जून कहा जाता है और 21 जून को भारत में, या बोल सकते हैं पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। यानी कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस दिन यानी कि 21 जून को भारत में और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद स्थिति आती है, उसके बाद की थोड़ा सा नेक्स्ट, जहाँ पे ऑटम लिखा हुआ है, सितंबर 22nd और 23rd, यानी कि 21 जून, जून के बाद हम लोग 3 महीना और गिनेंगे, या जून को लेकर 4 महीना गिनेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को जो स्थिति होती है वो होती है ये दूसरे फिगर में, जहाँ पे
ऑटम लिखा हुआ है। इस दिन सूर्य पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यानी कि बराबर स्थिति में होते हैं। तो उस कंडीशन में जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, एकदम सीधी जो किरणें हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो जून की स्थिति में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही थी, अब इक्वेटर पर पड़ रही हैं। अब चूंकि इक्वेटर पर पड़ रही हैं इसलिए बीचों बीच में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को बराबर मात्रा में प्रकाश मिलता है, जिसके कारण से दोनों गोलार्धों में दिन और रात की स्थिति समान होती है, यानी कि इस दिन दिन और रात बराबर होता है 22 सितंबर को। तो इस दिन भारत में या उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है, तो जून के बाद जो हम लोग सितंबर आता है, सितंबर के बाद धीरे धीरे देखते हैं कि हम लोग यहाँ से ठंड बढ़नी शुरू होती है, यानी कि विंटर सीजन शुरू होता है। तो इसे हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात का बराबर होना। तो 21 जून में दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होता है। 22 सितंबर को दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड स्थिति। तीसरी स्थिति में पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि साउथ पोल, वो सूर्य के सामने आ जाता है, और दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल सूर्य के सामने होने के कारण नॉर्थ पोल दूर चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है। इस कारण से सूर्य की स्थिति होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यानी कि सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है। ये स्थिति होती है 21 दिसंबर यानी कि 21 या 22 दिसंबर को। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि ये जो स्थिति है ये 21 जून वाली स्थिति का ठीक उल्टा होता है। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा पड़ता है। तो इस स्थिति में यानी कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए वहाँ पर ठंडी दिसंबर के महीने में पड़ती है। इसे हम लोग विंटर सोलास्टिक कहते हैं, क्योंकि दिन और रात बड़ा नहीं होता, दिन और रात बराबर नहीं होता। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध में छोटा होता है, जैसे कि हम लोग ठंडी के मौसम में देखते हैं कि दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ा हो जाता है, वो इसी के कारण से होता है। उसके बाद चार महीना फिर गिनेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि दिसंबर को लेकर चार महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 20 मार्च को फिर से वही स्थिति आ जाती है जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एकदम बराबर होते हैं और सूर्य की किरणें फिर से इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात का जो लेंथ है वो बराबर होता है, दोनों में दिन और रात बराबर होता है। इसी हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। तो दो सोलास्टिक और दो इक्विनॉक्स होते हैं, और इस स्थिति में भारत में वसंत ऋतु शुरू होता है, यानी कि दिसंबर में जो ठंडी पड़ती है, ठंडी के बाद वसंत ऋतु शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होती है और फिर से वही स्थिति आ जाती है 21 जून की, जब भारत में गर्मी पड़ती है। तो इस स्थिति को अगर आप लोग ठीक से समझेंगे तो भारत में गर्मी और ठंडी कब और क्यों पड़ती है, पृथ्वी के किस स्थिति के कारण भारत में गर्मी या ठंडी पड़ती है, या स्प्रिंग का मौसम होता है, बसंत ऋतु आती है, ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक बार समराइज कर देते हैं, 21 जून सबसे राइट वाला, जून से फिर चार महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर। 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध सामने होता है, फिर चार महीना यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को फिर बराबर हो जाता है यानी कि सन की लाइट इक्वेटर पर दी है, फिर सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में फिर विंटर सीजन आ जाता है यानी कि सन की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, तो इंडिया में ठंडी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, और फिर वहाँ से चार महीने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 20 मार्च को फिर से स्थिति बराबर हो जाती है जब सन की किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो पूरे साल में सन की किरणें इक्वेटर पर दो बार बराबर पड़ती हैं, और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है, 22 सितंबर और 20 मार्च को इक्वेटर पर बराबर पड़ती है यानी सीधी पड़ती है, और 21 या 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है। तो इसी कारण से पृथ्वी पर मौसम में बदलाव होता है पूरे एक साल में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मौसम का बदलाव क्यों होता है और कैसे होता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि भारत में जो हवाएं बहती हैं, जैसे अभी का समय में भारत में मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून का मतलब मानसून के कारण जो बारिश होती है। हम लोग जानते हैं कि 1 जून से भारत में बारिश शुरू हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 जून के आसपास से। तो उस समय भारत में विंड का फ्लो कैसे होता है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे समुद्र है यानी कि इंडियन ओशन, और ऊपर एशिया है, तो ऊपर लैंड नीचे वाटर, तो इनके अनइवन हीटिंग के कारण किस तरह विंड का फ्लो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।